हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका SSR का ये जो AA का GK का जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान का 25 क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर है, जो 17 मार्च 2017 को पूछा गया एग्जाम में है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने की चांसेस है, उन्होंने और पता भी चल जाएगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। GK का क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। इन्होंने कहा कि भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि चौसा के युद्ध में किसने किसको हराया था। तो चौसा के युद्ध में याद रखिएगा, शेर शाह ने हिमाओं को हराया था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था। तो जर्मनी की एकीकरण की बातें की जा रही, तो बिस्मार्क ऑप्शन नंबर दो इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि आकार के अनुसार पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है। तो पृथ्वी की बात करते हैं, याद रखिएगा, पांचवा स्थान है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ग्रह से भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, याद रखिएगा, इसको कम्प्लीट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने कहा शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर कहाँ पर काटते हैं। तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी है और इसको बोलते हैं, ये वाले भाग को अक्षांश बोलते हैं, इस वाले भाग को देशांतर बोलते हैं। तो जो शून्य अंश की बातें की जा रही है, शून्य अंश, शून्य डिग्री की, तो यह जहाँ काटते हैं, याद रखिएगा, वो भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि एशिया का सबसे गर्म नगर है। तो एशिया का सबसे गर्म नगर, याद रखिएगा, जैकोबाबाद, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। तो यूरोप का खेल का मैदान, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, बस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इन्होंने कहा कि निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा नहीं है। तो गर्म जलधारा की बातें की जा रही थी। गर्म जलधारा, याद रखिएगा, उत्तरी विषुवत रेखी हैं, क्यूरोसियो हैं, एलिनो है, ये सारी कैसी हॉट हैं, और लेकिन क्या ठंडी जलधारा क्या है, क्यूराइल धारा है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि सावाक खुफिया एजेंसी है। तो सावाक खुफिया एजेंसी जो है, याद रखिएगा, ईरान की, ऑप्शन नंबर दो इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय, मुख्यालय वन क्वेश्चन बनते एग्जाम में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है। तो मिसाइलें भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो धनुष की बात करते हैं, याद रखिएगा, जमीन से ज़मीन पर धनुष मिसाइल करती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने कहा अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी। तो अशोक चक्र जो पाई थी, याद रखिएगा, निर्जा भनोट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष की बात करते हैं, विजयलक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, सबसे लंबी सहायक नदी की बात करते हैं, तो यमुना, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। कि किसकी सहायक नदी है, गंगा की, याद रखिएगा। और कहाँ पर मिलती है, तो याद रखिएगा, यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में आपका इलाहाबाद में संगम में मिल जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि इम्पीरियल पैलेस निम्न में से किस देश में स्थित है। इम्पीरियल पैलेस की बातें की जा रही, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैंने बताया था विरासतें भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इम्पीरियल जो पैलेस है, जापान की है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। और आपको क्या है, जितनी भी विरासतें हैं भारत और विश्व की भी ध्यान में देना है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। इन्होंने कहा कि ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो राष्ट्रीय चिन्ह भी देख लीजिएगा। तो ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, गुलाब का फूल, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि निम्न में से किस रंग का झंडा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है। मतलब जितने लोग संक्रामित होते हैं, उनके वाहन पर किस रंग का झंडा लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों के लिए पीला झंडा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो याद रखिए, गंजा ईगल जो क्या है, जिसके पास सर में बाल ही नहीं है, गंजा ईगल की बातें की जा रही है। तो याद रखिएगा, कनाडा, ऑप्शन नंबर बी द आंसर नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अभी दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, थोड़ा दो ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि नॉर्वे, तो नॉर्वे में मध्यराती का सूर्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपकी
और धरती का सूर्य। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं जापान। तो जापान सूर्योदय का देश, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में। सारे कंसेप्ट को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आयोडीन की बातें की जा रही है, याद रखिएगा पॉइंट को। इन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को, कब 31 अक्टूबर को विश्व अल्पता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि किसी कूट भाषा में नेशनल को इतना लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में रेस्ट को क्या, मैं बता रहा हूँ ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि जिंदगी भर आपको क्या है याद रहेगा। देखो यहाँ पे पहले यन का, ऐसे करोगे तो इतना में अंतर कन्फ्यूजन होगी। पहले इसका अंक लिख लीजिए, इसका होता है 14, इसका होता है 17, तो कितना प्लस हुआ, कहेंगे 30। जरा हमको बताइए आर है, आर में कितना प्लस करेंगे, आर है आर का आपका कितना होता है, कहोगे कि 18 होता है, और इसमें 3 प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा 21, और 21 होता है यू का, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, दो ऑप्शन हुआ, ध्यान समझिएगा। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे ए, ए में 3 प्लस हुआ तो डी मिला है, तो ई होता है 5, और 5 में 3 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, 8 होता है एच का, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करिएगा, ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी सिलेक्शन होने वाला, क्योंकि और सारे पॉइंट आगे पीछे देखोगे तो दिक्कतें आने वाली, वहाँ पे देखना जहाँ पे त्रुटियाँ होने वाली, समय भी आपका बचेगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि संबंध स्थापित कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा यल, यल कितना होता है, याद रखिए जब पता रहेगा तब, तो यल होता है 12 पे, और टी, टी याद रखिएगा 20 पे होता है, तो हम सॉरी ऐसे देखने से आसान है। देखो यहाँ पे लास्ट लास्ट में यू है, तो यहाँ पे लास्ट में यम है, और कौन से लास्ट में यम है, कहेंगे बस लास्ट ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट लास्ट में यू है, और बाकी आगे पीछे पलटा जा रहा, आगे पीछे हमको पलटना नहीं है, बस लास्ट वाला देख लिया हमने, यम लास्ट में, इसी ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए कितना आसान है, असंगत चुने, तो असंगत क्या होता है ध्यान समझिएगा। इन्होंने क्या कहा कि जरा इसमें देखिए आपकी 5 आकृतियाँ, इसमें भी 5 आकृतियाँ, इसमें भी 5 आकृतियाँ, लेकिन इसमें कितनी, 6, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, ना कि तीर कमान पे हमको ध्यान देना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 47 नंबर क्वेश्चन, 47 सबसे श्रृंखला से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब इन्होंने कहा पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आकृति है तो उत्तर आकृति आपको बतानी। इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे तीर की बातें कर जा रही, ध्यान समझिएगा, तीर पहले इधर था तो दोनों तीर इधर की तरफ है, देखिए उसके बाद तीर इधर है तो दोनों तीर किस साइड आएगी, इस साइड आएगी, लास्ट वाली साइड, तो लास्ट वाली साइड कौन से ऑप्शन में है, कहेंगे सिर्फ डी वाला, देख लीजिए आपकी निगाहों में खुद है, क्योंकि तीर बीच में थी तो पहले इस साइड थी, अब इस साइड आएगी दूसरे वाली साइड, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको ट्रिक समझना है, कंसेप्ट को भी समझना है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि फिर प्रश्न आखिरी था उसका उत्तर देना है। अब आप हमको बताइएगा, यहाँ पे देखिए पहले ऐसे था, फिर इस टाइप गया 90 डिग्री, फिर इसका अपोजिट 180 गया, ध्यान समझिएगा, फिर अब आपका ऐसे है तो अब क्या जाएगा, फिर 180 की तरफ जाएगा, इधर जाएगा 90, तो इधर का 90 ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए इन्होंने कूट भाषा याद रखिए, कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में आने वाली है पक्का, और दिशा परीक्षण भी आता है एग्जाम। इन्होंने कहा कि आई, यहाँ पे देखिए क्या एम को पूछा जा रहा है, मैं पॉइंट को एम को सिर्फ पकड़ूंगा जिस ऑप्शन में एम होगा, यहाँ पे देखिए एम की बातें की जा रही है, और यहाँ पे आई, आई की बातें की जा रही है, तो आई से आई ख़त्म करिए, और आई में यहाँ पे जो ऑप्शन दोनों में दिखे तो क्या दिख रहा है, कहेंगे यस यू, यस यू ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट को समझिएगा। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक और ग्रेट की बातें की जा रही है, तो देखिए ग्रेट इसमें है, तो ग्रेट को हमने यहाँ से ख़त्म किया, और ग्रेट इसमें भी है, तो यहाँ पे गो है, यहाँ पे भी गो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम को क्या लिखा जाएगा, रू के नाम से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए रू बचा है, यहाँ इधर एम बचा है, तो रू हो जाएगा, आर यू। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ऐसे पढ़ो कि सिलेक्शन पक्का होने वाला। इन्होंने कहा कि 2 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोड क्या होगा, आप खुद देख लीजिए 2 बज रहा है ना, तो ये याद रखिएगा क्या है कि जब एक घंटा में 5 कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 अंश का, तो दो बजे तक कितना हो जाएगा, 30 60 अंश, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।